महाराज परीक्षित वीरों की श्रृंखला में आने वाले अभिमन्यु के आत्मज थे। जब वे अपनी माँ की कोख में थे तब उन्हें दिखाई देता है कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया तीर उनका नाश करने के लिए उनकी तरफ आ रहा है। वह ये देखते ही हैं कि अगले ही पल उनके सामने एक कांति और तेज से परिपूर्ण व्यक्ति अपनी उंगली में चक्र लिए उस तीर को नष्ट कर देता है और उनकी रक्षा करता है। इस किस्से में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आज का किस्सा इसी के इर्द गिर्द है। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र पर। आज हम बात कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए योगदान देने वाले अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हेमू कलानी जी की। आज से यह देश उनका शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, तो आइए जानते हैं आखिर हेमू कलानी जी कौन थे और देश की स्वाधीनता में उनका कितना योगदान था। एक कुशाग्र बुद्धि, तैराक और धावक हेमू कलानी बचपन से ही मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। वे सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में ही अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर अंग्रेजों के उन स्थलों पर जाते जहां पर अंग्रेज रहते थे और वहां पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सभाएं करते। वे सिंध के लोगों को लगातार अंग्रेज वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए बार बार जागृत करते। 23 मार्च 1923 को सिंध प्रांत के शक्कर मैजन में हेमू कालानी जी का एक वाक्य हमें बताता है कि कैसे उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित रहा। क्योंकि वे सिंध प्रांत से आते थे और उन्हें इस बात की जानकारी लग गई थी कि लगातार अंग्रेजों को विरोध हो रहा है, उनके विरोध को कम करने के लिए अंग्रेजी सेना बारूद और बंदूकें लेकर सिंध से बलूचिस्तान की ओर जा रही है और वो ट्रेन उनके शहर से गुजरने वाली थी। तब हेमू कालानी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना उस ट्रेन की पटरी को ही वे उखाड़ फेंकें और उस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त कर दें ताकि वह बारूद आगे ना ले जा सकें। यह योजना वे अपने साथियों के साथ बनाकर उस पर अमल कर ही रहे थे और रात के समय ट्रेन की पटरियों को उखाड़ने के लिए वे अपने मित्रों के साथ हथौड़े भाले इत्यादि लेकर वहां पहुंचे। तब इसकी जानकारी वहां घूम रहे पुलिस वालों को लग गई। पुलिस ने हेमू कालानी जी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दे दिया और फिर यह आजीवन कारावास उनको फांसी की सजा देने में बदल गया। हेमू कालानी जी का जीवन देश के लिए समर्पित रहा। अंतिम समय भी जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, इससे पूर्व जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी अंतिम इच्छा में क्या चाहते हैं, तो हेमू कालानी ने बड़े ही ऊर्जा और उत्साह के साथ कहा कि वे पुनः इस भारत भूमि पर जन्म चाहते हैं ताकि वे इस देश की सेवा कर सकें। हेमू कालानी जी का जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित रहा और हमें बताता है कि कैसे वीरों ने देश और राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन देश को स्वतंत्र कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी।